लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए गुरुवार को बेतियाता स्थित पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की नगर अध्यक्ष उर्मिला देवी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मतदान के लिए अपनी तैयारी जोरों से कर रही हैं। उर्मिला देवी ने कहा कि बूथ स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, समाजवादी पार्टी द्वारा लागू किए गए सभी योजनाओं के बारे में घर घर जाकर मतदाताओं को बताएंगे। बैठक में जियाउल इस्लाम, कृष्ण कुमारी त्रिपाठी, सिंहासन सिंह यादव, जितेंद्र यादव, राहुल यादव, बेगम अख्तर, जहाँ अनुप्रसाद, सुशीला भारती सहित पार्टी के अन्य महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी महिला सभा की नगर अध्यक्ष उर्मिला देवी ने कहा, जो छात्रों की आवाज बुलंद करने वाले साथियों से निवेदन है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय राम कुमार निषाद जी है और हम सबको वो मजबूत किया जाए जिससे पार्टी हमारी गोरखपुर में पुनः जीत दर्ज करे। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत जरूर करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अजय जान साहब साहब, भूपेंद्र यादव जी, महिला सभा की बड़ी नेता और समाजवादी छात्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुप्रसाद जी, लोकसभा को चुनाव को देखते हुए ये हमारी महिला सभा की बड़ी बैठक थी। हम लोगों ने, हम महिलाएं अपना अपना हम लोगों ने कमर कस लिया है लोकसभा चुनाव में और हर बूथ पर हमारी पांच पांच महिलाएं रहेंगी और हर हाल से इस चुनाव को हम लोगों जीतना है और अपनी जितनी ही हमारी सरकार में जितना ही योजना थी जैसे कि लैपटॉप था और समाजवादी पेंशन था और विधवा पेंशन था, वृद्धा पेंशन था, 108 नंबर एम्बुलेंस थी, 102 नंबर थी, 100 नंबर की थी, जितनी मेरी पार्टी की योजनाएं थी हम लोग घर घर जा कर के बताएंगे और अपने हमारी महिलाएं सारी महिलाएं जितना सैकड़ों में जुटी हुई हैं ये सारी मेरी महिलाएं घूम घूम करके हर वार्ड में हर मोहल्ले में जाएंगी और अपनी पार्टी की जितनी योजनाएं थी बताएंगी। हर तरह से हम लोग ये चुनाव जीत करके दिखाएंगे।